जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम में रोजाना सैकड़ों लोग जाते हैं, तो हर एक व्यक्ति की अर्जी लगना और उनका पर्चा बनना संभव नहीं है। जैसे कि गुरुदेव जी ने बताया कि हम अपने घर पर रहकर ही अर्जी लगा सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में हम अपने घर पर अर्जी कैसे लगाएं ये बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि हम अपने सनातन धर्म को सब लोगों तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम में तो गुरुदेव सबकी सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लेकिन बात आती है कि आप अपने घर पे बैठकर अर्जी कैसे लगाएं। तो घर पे बैठकर अर्जी लगाने के लिए हमें बस थोड़े से सामान की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमें एक नारियल लेना है। उस नारियल के साथ हमें 5 लौंग लेनी है और एक लाल कपड़ा लेना है। साथ ही साथ आपको एक बागेश्वर धाम की फ़ोटो रखनी है। फ़ोटो आप इंटरनेट से भी निकलवा सकते हैं, उसको निकालकर आप अपने पूजा के आले में रखिए। इसके बाद लाल कपड़े में नारियल और उन 5 लौंगों को आप बांध दीजिए। इसके बाद एक साफ आसन बिछाकर उस पर बैठ जाइए। बैठने के बाद उस नारियल को आप अपने सिर से लगाइए और 3 बार आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप 3 बार बोलिए। अब बोलने के बाद आप भगवान से कहिए कि हे बागेश्वर धाम, मेरी मनोकामना आप पूरी करिए, मैंने आपसे अर्जी लगाई है। और उसके बाद जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो करिए, धूप दीपक जो भी आप जलाते हैं जलाइए, साथ ही साथ उस नारियल को अपनी पूजा में रख दीजिए। अगर आप पूजा में नहीं रख सकते या वहाँ पर चूहे वगैरह कुछ हैं तो आप उस नारियल को अपने पूजा घर में टांग दीजिए, आपकी अर्जी लग चुकी है। साथ ही आप उनसे प्रार्थना करिए कि जब मेरी अर्जी पूरी होगी मैं बागेश्वर धाम आऊँगा, नहीं आ सकता तो यहीं से मुझसे जो होगा वो मैं कर पाऊँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी अर्जी जो है वो स्वीकार हो गई है। और अर्जी स्वीकार होने का पता कैसे लगता है कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 या 3 दिन सपने में बंदर दिखाई देगा। जब बंदर दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो अर्जी है वो स्वीकार हो चुकी है। तो जो भी करिएगा पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा, क्योंकि जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है वहीं पर सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। बाकी बालाजी महाराज हर जगह हैं, कण कण में व्याप्त हैं, आप जहाँ से चाहें उनकी अर्जी लगा सकते हैं, जहाँ चाहें उनकी पूजा कर सकते हैं। बस एक चीज़ है, वो है श्रद्धा और विश्वास। वो जहाँ पर होता है भगवान को वहाँ पर आना ही पड़ता है। और इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।